तो स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब पबजी मोबाइल एक चाइनीज़ गेम है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो इसके वजह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि पबजी एक चाइनीज़ गेम है। तो वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि पबजी चाइनीज़ गेम है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी गेम और ऐप का कंट्री जानना चाहते हो, मतलब वो कौन से कंट्री से है तो जानना चाहते हो, तो आप सिंपली गूगल में जाके वहाँ पे सर्च कीजिए। तो आप जिस गेम का जानना चाहते हो उस गेम का नाम और पास में लिख दीजिए ओरिजिन, मतलब पबजी ओरिजिन, व्हाट्सएप ओरिजिन, टिकटॉक ओरिजिन, हेलो ओरिजिन। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा गेम और कौन सा ऐप कौन से कंट्री से है। तो जब आप पबजी को ऐसे सर्च करते हो तो वहाँ पे क्या लिखा देता है, कोरियन गेम है। तो पबजी जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था ब्रेंडन ग्नी और जिस कंपनी से पबजी डेवलप हुआ उसका नाम है ब्लू होल। तो ब्लू होल कंपनी कोरियन है। तो घुमा फिरा के पबजी हो गया एक कोरियन गेम। तो ब्लू होल कंपनी जब पबजी को चाइना में लॉन्च किया था तो एक प्रॉब्लम हो गया था, पबजी चाइना में बैंड हो गया था क्योंकि पबजी में बहुत ही वायलेंस था, खून वगैरह दिखाया जाता था, तो मारपीट वगैरह दिखाया जाता था, इसीलिए चाइना गवर्नमेंट इसको बैंड कर दिया था। तो उसी टाइम ब्लू होल कंपनी एंड टेंशन गेमिंग मिलके तो पबजी में कुछ चेंजेस किए और चेंज करने के बाद पबजी का नाम रख दिया था गेम ऑफ पीस। तो उसके बाद वो गेम चाइना में लॉन्च हो गया था। उसके बाद ब्लू होल एंड टेंशन गेमिंग मिलके पबजी पीसी का एक मोबाइल वर्जन निकाला और उसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया और पबजी मोबाइल बहुत ही पॉपुलर हो गया, मतलब पबजी पीसी जितना पॉपुलर था उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो टेंशन कंपनी की वजह से सब लोग बोल रहे हैं कि पबजी एक चाइनीज़ गेम है। तो लेकिन पबजी मोबाइल का सिर्फ 10% शेयर ही टेंशन गेमिंग बॉडी के पास है, सिर्फ 10% शेयर। तो मान के चलो अगर आप गेम में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो उसका 10 रुपये टेंशन के पास जाता है। तो घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो अगर हम पबजी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 10% चाइना में जाता है, लेकिन ये गेम चाइनीज़ गेम नहीं है। तो सिर्फ 10% शेयर होने के वजह से टेंशन को थोड़ा सा फ़ायदा होता है, तो वो अमाउंट चाइना में जाता है। तो और एक जो क्वेश्चन है, क्या पबजी मोबाइल हमारा पर्सनल डेटा चुराता है? तो इसके आंसर में मैं यही बताना पसंद करूँगा कि तो कुछ दिन पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने 52 ऐप का लिस्ट बनाया था और बोला था कि ये ऐप बैन हो सकता है और आप इस ऐप को यूज़ ना करें तो ही बेहतर है। तो उस ऐप का लिस्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे पबजी मोबाइल नहीं है। तो पबजी मोबाइल चाइनीज़ है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे लेते हो। यह है पूरा पबजी मोबाइल का स्टोरी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो एप्पल अमेरिका का है, तो एप्पल का जो प्रोडक्ट्स है, मतलब तो एप्पल का जो आईफोन है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में। तो आप एप्पल के बॉक्स के ऊपर देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना। तो आप तो जानते हो कि कहाँ से है। तो पबजी मोबाइल चाइनीज़ है या नहीं वो पूरा ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे लेते हो। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट बैन कर देता है तो अलग बात है, और पबजी चाइनीज़ है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। तो वीडियो में यही कहना था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।